हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जैपनीज स्किन वाइटनिंग सीक्रेट बताने वाली हूँ। जैपनीज का स्किन ग्लैसी और ग्लोई इसीलिए रहता है और उनका स्किन कॉम्प्लेक्शन इतना क्लियर होता है, उनका स्किन केयर में राइस को इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको उनका स्किन केयर रेमेडी बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आपका स्किन क्लीन, क्लियर और स्पॉटलेस होगा, साथ ही से इनके सारे प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगे। ये रेमेडी की खास बात ये है, स्किन का पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन, डार्क स्पॉट्स, फाइन लाइंस को भी हटा देता है, आपका स्किन को क्लीन, क्लियर और इवन आउट ग्लोइंग बना देता है। तो कैसे करना है मैं आज आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली दिखाऊंगी। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। इस रेमेडी के लिए आपको लेना चाहिए 1 टेबल स्पून, इस स्क्रब के लिए आपको लेना चाहिए 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर। ये जैपनीज स्किन वाइटनिंग सीक्रेट है, इससे आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा, आपका स्किन हेल्दी और रेडिएंट हो जाता है, टैन भी प्रिवेंट होता है। और 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर, इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून शहद, हनी और थोड़ा सा वाटर ऐड करके फाइन पेस्ट तरह मिक्स करना चाहिए। ये पैक ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है और एक जेंटल स्क्रब है, इससे आपका स्किन अच्छी तरह एक्सप्लोइट होगा, स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा, आपका स्किन क्लीन, क्लियर और हेल्दी हो जाता है। ये पैक और ये स्क्रब जो है ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। आप इसको स्क्रब का पैक की तरह यूज़ कर सकते हैं, इससे स्किन एक्सप्लोइट होगा। आप इसको फेस पे, बॉडी, नेक, डार्क अंडरआर्म्स, डार्क बॉडी पार्ट्स, हैंड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ आपका स्किन ज़्यादा टैनिंग है उस एरिया पे अप्लाई कीजिए, इससे स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा, स्किन पे डेड स्किन सेल्स, फाइन लाइंस भी रिमूव होंगे, आपका स्किन हेल्दी और रेडिएंट बन जाता है। ये पैक ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इससे पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स दूर होगा और मेनली चावल का आटा में राइस एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रहता है, ये स्किन का एजिंग को स्लो डाउन करता है, आपका स्किन को हेल्दी बना देता है। इसको जितना अच्छे से मिक्स करोगे ये उतना अच्छी तरह स्क्रब बन जाएगा और उसका उतना ही इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। अभी ये अच्छी तरह स्मूथली बन गया है, इसको मैं अप्लाई करके आपको रिजल्ट्स शेयर करूँगी। अभी इसको अप्लाई करने के पहले फेस को फेस वॉश या क्लेंजर जो आप यूज़ करते हो उससे अच्छी तरह क्लीनली फेस को वॉश करके वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद स्किन को थोड़ा सा हल्का सा वेट करके, वेट स्किन पर ही आप इसको यूज़ कीजिए, अप्लाई कीजिए। अप्लाई करते हुए, स्क्रब करते हुए अप्लाई करने से आपका स्किन पे डेड स्किन सेल्स रिमूव होंगे और आपका स्किन टैनिंग दूर होगा, उससे आपका स्किन ग्लोइंग, नेचुरली ग्लो हो जाएगा, पिगमेंटेशन, पिंपल्स का प्रॉब्लम भी कम हो जाता है। अगर आपका स्किन पे पिंपल पिगमेंटेशन ज़्यादा है तो आप इस उस एरिया पे थोड़ा जेंटली स्क्रब कीजिए या आप उस एरिया में सिर्फ अप्लाई करके छोड़ दीजिए। अगर आपके चेहरे पे पिंपल एक्नी ज़्यादा है उस एरिया पे जेंटली अप्लाई करें, ड्राई होने के बाद इसको वॉश कीजिए। अगर आपका स्किन पे पिंपल एक्नी नहीं है, सिर्फ पिगमेंटेशन है, स्किन का एजिंग है, तो आप इसको हल्का सा जेंटली स्क्रब करते हुए आप इसको अप्लाई करें। अप्लाई करके 15 मिनट तक छोड़ देना है। मेक श्योर आप इसको फेस और नेक पे अप्लाई कीजिए। अगर आपको डार्क नेक की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगा, स्किन का एजिंग फेस पे ही नहीं नेक पे भी स्टार्ट होता है। अगर आपका नेक लाइंस है तो इससे आपका नेक लाइंस भी दूर होंगे, आपका स्किन हेल्दी और रेडिएंट होता है। इस तरह अप्लाई करने के बाद आप ड्राई होने तक छोड़ दीजिए। जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा स्किन को नॉर्मल पानी से वॉश करके पोंछ लीजिए। ये इससे आपका स्किन ग्लोइंग होगा, इंस्टेंटली ब्राइटनिंग होगा और स्मूथनिंग हो जाएगा। आप चाहे तो इसके बाद गुड मॉइस्चराइजर स्किन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डे टाइम अप्लाई कर रहे हो, डे टाइम इस पैक स्क्रब को यूज़ करने से गुड सनस्क्रीन इस्तेमाल कीजिए, इससे स्किन पे और डबल इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, स्किन का एजिंग स्लो डाउन होगा, पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन, टैनिंग भी रिड्यूस होगा। सो फ्रेंड्स, ये है स्किन वाइटनिंग राइस स्क्रब। इसको आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कीजिए या एवरी ऑल्टरनेट डेज भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की वजह से कोई भी नुकसान नहीं होता है, 100% सेफ होता है स्किन के लिए, हेयर के लिए। सो ये है वीडियो। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इसके रिगार्डिंग, इस रेमेडी का रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है कॉमेंट सेक्शन में नीचे कीजिए, उसके आंसर मैं जरूर देती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए।